नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ये स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशंस की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं। केमिकल इक्वेशंस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। केमिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करें। केमिकल चेंज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करते हैं के सी एल ओ थ्री को हम हीट करेंगे तो के सी एल प्लस ओ टू बनेगा। यहां पर ये जो इक्वेशन है ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड में जो आता है वो होता है प्रोडक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, किसी भी एलिमेंट के आगे अगर एस लिखा हुआ है तो वो उसके सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी लगा हुआ है तो वो गैसीय स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक्यू लगा हुआ है तो वो एक्वस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अप में और एरो लगा हुआ है तो वो निकलने को दिखा रहा है। डाउन में एरो दिखा है तो वो प्रेसिपिटेट को दिखा रहा है। इसके अलावा हीट उसमें इन्वॉल्व हुई है तो वो प्लस साइन दिखाएगा। रिएक्टर प्रोडक्ट साइड में प्लस साइन के साथ अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, मान लीजिए इतनी के सी एल, तो ये हीट इन्वॉल्व को दिखाएगा और ये दिखाएगा माइनस साइन की कितनी हीट निकल चुकी है। केमिकल इक्वेशंस उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कंसेंट्रेशन, कितनी अमाउंट में कितना कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। इसके अलावा वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार वो सॉलिड से गैसेस में या फिर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके अलावा वो हीट को रिप्रेजेंट करता है कि हीट उसमें इन्वॉल्व हो रही है या इवॉल्व हो रही है। उसके अलावा वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। रिएक्शन रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है, ये भी रिप्रेजेंट होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये डबल एरो का साइन यूज होता है। एग्जांपल के लिए कंसीडर कीजिए नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है गैसीय स्टेट में, तो अमोनिया फॉर्म होता है गैसीय स्टेट में। ये जो सिंबल है ये दिखा रहा है कि रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है। यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होगी 200 एटीएम और 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रेशर और टेम्परेचर भी रिप्रेजेंट होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन का यूज करते हुए हम मास रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
इसके अलावा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। और फोर्थ वन इज मोल रिलेशनशिप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन आर रिक्वायर्ड टू बर्न, हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू बर्न 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। इसको हम दो मेथड से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए। ऑक्टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C8H18। हम इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे कि इक्वेशन क्या होगी, C8H18 प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई इस केमिकल रिएक्शन की। अब ध्यान से पहले हम मास मास रिलेशनशिप से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 × 12 + 18। ये हो जाएगा 144 ग्राम। ये C8H18 यानी कि ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास है और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक। यानी कि और ऑक्सीजन का यहाँ पर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2 × 144 ग्राम और ये हो जाएगा 32 × 25। अब आप समझिए इस रिलेशन से हम ये पता करते हैं कि 2 × 114 ग्राम ऑक्टेन को बर्न करने के लिए हमें अराउंड 32 × 25 इतने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है इतने ऑक्टेन को बर्न करने के लिए। इतने ऑक्टेन को बर्न करने के लिए हमें इतने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑक्टेन को बर्न करने के लिए हमें कितने की ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वो होगी 35 × 25 / 2 × 114। और हमें पता करना है कि 570 ग्राम को बर्न करने के लिए कितना चाहिए होगा। तो उसको हम ऐसे कर देंगे कि 570 ग्राम को निकालने के लिए दोनों साइड 570 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 570 × 32 × 25 / 2 × 1। इतने ग्राम ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होगी। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा। केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद हमने ये देख उसको मास मास रिलेशनशिप से हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने ऑक्टेन का मॉलिकुलर मास निकाला। मॉलिकुलर मास से इस रिलेशनशिप को देखा तो हमने देखा कि 2 × 114 ग्राम को बर्न करने के लिए 32 × 25 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अगर इतने ग्राम को बर्न करने के लिए इतने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो 1 ग्राम ऑक्टेन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी इतना अपॉन 2 × 114, और 570 ग्राम ऑक्टेन को बर्न करने के लिए जरूरत हुई 570 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये तरीका हो गया मास मास रिलेशनशिप का तरीका। अब हम बात करेंगे अगर हम इसको मोल कंसेप्ट से करें, मोल मोल रिलेशनशिप बना के, तो कैसे हुआ। ऐसे में हमें 570 ग्राम जो ऑक्टेन है सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मोल, मतलब इतने मोल ऑफ ऑक्टेन को हमें निकालना है। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है वो है इतना। अब इस रिलेशनशिप को दोबारा देखिए, इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग 2 मोल ऑक्टेन को बर्न करने के लिए
25 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। अब 2 मोल को ऑक्टेन को बर्न करने के लिए 25 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 1 मोल को बर्न करने के लिए कितने की होगी, 25/2 मोल की जरूरत होगी। तो हमें कितने मोल निकालना है, हमें निकालना है 570/114 मोल को निकालना है। तो इसमें 25/2 × 570/14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेट इतने मोल, ये जो वैल्यू आएगी हमारी इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन की आएगी, इतनी मोल ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू आएगी। अब इस मोल को यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, और जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसी चीज़ में मल्टीप्लाई करके मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन को, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो मास मास रिलेशनशिप की जो वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू सेम होगी। फिर से समझिए, मोल रिलेशनशिप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, गिवन मास को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो 570 हमारा गिवन मास था, इसको मॉलिकुलर मास से उसे डिवाइड किया तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हमने इस इक्वेशन को फिर से देखा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल ऑक्टेन को बर्न करने के लिए 25 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमने देखा अगर 2 मोल को बर्न करने के लिए इतना चाहिए, तो 1 मोल को बर्न करने के लिए कितना चाहिए, 25/2, और हमें रिक्वायर्ड कितना है 570/114, तो इस इतने मोल्स को बर्न करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने किया 25/2 × इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इस मोल्स को हम कन्वर्ट करेंगे, अगर मास में कन्वर्ट करना चाहे तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि इसका वैल्यू जितना आया है उतना ही वैल्यू मास मास रिलेशनशिप की वैल्यू के इक्वल होगा। दोस्तों अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा एजेंट होता है दोस्तों जिसकी अमाउंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में कम होती है। मतलब क्या हुआ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में है वही उसके प्रोडक्ट की वैल्यू कंसंट्रेशन को डिपेंड उसको डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास, आप ऑक्टेन को बर्न कर रहे थे वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, तो अगर हम ऑक्टेन की अमाउंट को लिमिट कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी अमाउंट भी लिमिट कर जाएगी, यानी कि उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी, और जो कम अमाउंट हो जाएगी यानी कि यहाँ पर ऑक्टेन आपका लिमिटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन की, मान लीजिए मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूँ, तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में भी जो अमाउंट प्रोडक्ट का है ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को, इसके अलावा ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी डिपेंड करेगा, किस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम आता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंडेंसी होगी। किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं आपको खाली इतना बताना चाहता हूँ कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो एक्चुअल अमाउंट और थ्योरेटिकल अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट में हमेशा डिफरेंस होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसके अलावा रिएजेंट्स हैं, लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, फर्दर एग्जाम्पल्स में मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। चलिए दोस्तों लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ O2 टू यील्ड H2O। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, सेकेंड वन कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी यील्ड, एंड थर्ड वन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2H2O बना रहा है, ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
अब इसको ध्यान से देखते हैं तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास ऑफ H2 जो है वो 3 है, 3/2। हाइड्रोजन के मोल्स की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 1.5 मोल। ऑक्सीजन के मोल की बात करता हूँ मैं तो गिवन मास होगा 29, अमाउंट मॉलिकुलर मास हो जाएगा 32, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.9 मोल। इतना करने के बाद हम केमिकल इक्वेशन को अब ध्यान से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन 2 मोल हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यानी कि 1.5 मोल अगर हाइड्रोजन की बात करूंगा मैं तो उसको बर्न करने के लिए आपको 1.5 मोल को बर्न करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी 1/2 n 1.5, यानी कि 0.75 मोल की रिक्वायरमेंट होगी O2 की। आप ध्यान से देखिए, गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 0.9 मोल है और रिक्वायर्ड अमाउंट आपको 0.75 मोल की है, यानी कि ऑक्सीजन आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एक बार फिर से समझिए, हमने सबसे पहले क्या किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली, उसके बाद हमने देखा कि गिवन मास जो था वो हाइड्रोजन का 2 था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल निकालने की कोशिश की तो गिवन मास 3 था और मॉलिक्यूलर मास 2 होता है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 1.5 मोल हो गया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा तो 29/32, यानी कि 0.9 मोल। अब केमिकल इक्वेशन पर चलते हैं, तो केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो 1.5 मोल हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वो होगी 1/2 × 1.5, यानी कि 0.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो 0.75 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होगी 1.5 मोल को बर्न करने के लिए और हमारे पास है 0.9 मोल। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है और ऑक्सीजन अगर एक्सेस अमाउंट में है तो कम अमाउंट में क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग एजेंट हो गया। दूसरी बात है कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी एड। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो हमारे पास जो मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन का वो 1.5 मोल है, इतना हाइड्रोजन ही है हमारे पास, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो भी इसी पर डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन के ऊपर। तो अगर ये 1.5 मोल है तो हम देख रहे हैं इक्वेशन से, अगर 2 मोल होता है तो 2 मोल बनती है, तो 1.5 मोल हाइड्रोजन होगा तो 1.5 मोल H2O बनेगा। थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो सबसे अनरिएक्टेड जो रिएजेंट होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, और उसकी अगर अमाउंट की बात करें तो 0.9 मोल हमारे पास था और उसमें से रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन के साथ, कितना रिएक्ट हुआ, 0.75 मोल, तो बचेगा आपका 0.15 मोल, ये अनरिएक्टेड रहेगा, अनरिएक्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। HCl ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स H2O एंड Cl, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl एंड STP कैन बी ऑब्टेन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 36.5 ग्राम ऑफ HCl। तो HCl जो हुआ है आपका वो कन्वर्ट हो जा रहा है H2O प्लस Cl में ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, ये हो गया आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सबसे पहले हमसे वॉल्यूम पूछा है एसटीपी कंडीशन पे सीएल का, तो सबसे पहले हमें सीएल का नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हम इक्वेशन को देखते हैं और इक्वेशन के अकॉर्डिंग है अगर 4 मोल HCl हमारे पास होगा
तो हमारा 2 मोल क्लोरीन गैस निकलेगी। 4 मोल अगर HCl होगा तो 2 मोल क्लोरीन गैस निकलेगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं HCl का, तो इसका गिवन मास है आपका 36.5 और मॉलिकुलर मास भी इसका 36.5 होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 मोल। यानी कि नंबर ऑफ मोल जो गिवन है आपको 1 मोल है, और हमें पता है कि 4 मोल HCl जो है वो 2 मोल क्लोरीन गैस को इवॉल्व करता है। अगर 4 2 मोल को निकालेगा तो 1 मोल HCl कितने को निकालेगा, 2/4 यानी कि 1/2 मोल ऑफ क्लोरीन को निकालेगा। 1/2 मोल ऑफ क्लोरीन, अगर STP कंडीशन की मैं बात करता हूँ, STP कंडीशन पे 1 मोल किसी भी गैस का वो 22.4 लीटर्स के इक्वल होता है। 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है, तो 1/2 मोल किसके इक्वल होगा, वो होगा 22.4/2 यानी कि 11.2 लीटर्स के इक्वल होगा। यानी कि क्लोरीन का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी कंडीशन में वो 11.2 लीटर होगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, हमारे पास सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद हमको पता चला कि 4 मोल जो HCl है वो 2 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट करता है। अब हमने देखा, देखो हमारे पास गिवन कितना नंबर ऑफ मोल्स है, तो गिवन मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या, तो हमें पता चला कि 1 मोल हमारे पास गिवन है। अगर 4 मोल 2 मोल्स के साथ रिएक्ट फॉर्म करता है तो 1 मोल कितना फॉर्म करेगा, यानी कि 1/2 मोल फॉर्म करेगा। एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 1/2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22/4/2 यानी कि 11.2 लीटर्स। आइए कुछ और दोस्तों क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द मास ऑफ CKClO3 नेसेसरी टू प्रोड्यूस 1.23 ग्राम ऑफ O2। सबसे पहले इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो KClO3 प्रोड्यूस करेगा KCl प्लस O2, ये हो गई इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसके मॉलिकुलर मास की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 39 प्लस 35.5 प्लस 3 × 16। KCl हो जाएगा आपका 39 प्लस 35.5 यानी कि 74.5, और ये आपका हो जाएगा 3 × 32। इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 74.5, इसका वैल्यू हो जाएगी 122.5। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 times Ca ये प्रोड्यूस करता है 2 times KCl 3 times ऑक्सीजन। अब हमें ऑक्सीजन की अमाउंट अगर इतनी है, अब देखिए इस इक्वेशन से हम निकालते क्या है कि 3 × 32 ग्राम ऑक्सीजन से को प्रोड्यूस करने में 2 × 1 = 22.5 ग्राम KClO3 रिक्वायर्ड है। तो अगर इसका वैल्यू 1.23 ग्राम हो जाएगी तो कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 × 1 = 22.5 / 3 × 32 × 1.23, इतना ग्राम KClO3 रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर मॉलिक्यूलर मास लिखा तीनों का, और उसके बाद इक्वेशन को कोरिलेट किया, तो हमने देखा कि 3 × 32 ग्राम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में 2 × 1 = 22.5 ग्राम KClO3 लगता है, और हमें रिक्वायर्ड है कि 1.23 ग्राम O2 निकालने में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हमने इसको उससे डिवाइड करके 1.23 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने ग्राम KClO3 में रिक्वायर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट मास ऑफ KClO3 प्रोड्यूस अलोंग विद दिस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन।
अगर इसकी वैल्यू 1.23 हो जाएगी तो कितना KClO3 प्रोड्यूस होगा, इसको हम डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं। अगर 3 × 32 ग्राम इसको हम यहां से देखेंगे, इतने ग्राम को प्रोड्यूस करने में अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 2 × 122.5 जो है वो 2 × 74.5 ग्राम KCl प्रोड्यूस करता है। अब इसकी अमाउंट जो है वो इतनी हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर ये इसकी अमाउंट इतनी हो जाती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 74.5 / 3 × 32 × 1.23 ग्राम, इतना केसियल हमारा प्रोड्यूस होगा। इसको निकालने के लिए दोस्तों हमने वही इक्वेशन का इस्तेमाल किया फिर से, तो फिर से हमें रिलेशन मिला कि 2 × 122.5 ग्राम केसियल O3 प्रोड्यूस करेगा 2 × 74.5 ग्राम केसियल को, लेकिन हमारी जो अमाउंट है वो इतनी हो चुकी है, तो इतना कितना प्रोड्यूस करेगा, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और कोरिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो इतना ग्राम KCl प्रोड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम। लाइम जो होता है वो होता है CaO दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग 200 kg ऑफ लाइमस्टोन विच हैज 95% प्योर CaCO3। सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे, CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 प्रोड्यूस होता है। दोस्तों ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इसमें 95% प्योर, अब लाइमस्टोन के अंदर, लाइमस्टोन में 95% प्योर CaCO3 है, तो अगर 200 kg हमारे पास है तो उसका 95% कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपका 190 kg, यानी कि लाइमस्टोन के अंदर 190 kg CaCO3 आपका प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमें निकालना है, अब हम इक्वेशन के थ्रू देखते हैं कि एक मोल CaCO3 आपका एक मोल CaO फॉर्म करता है। केजी में अगर मैं बात करूं तो CaCO3 का जो मास होगा वो आपका, कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40 + 12 + 48 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स जो होगा आपका CaCO3 वो प्रोड्यूस करेगा, ये आपका हो जाएगा 56 ग्राम CaO को। 100 ग्राम अगर 56 ग्राम CaO को प्रोड्यूस करेगा तो 190 kg की बात करता हूं मैं, तो 190 kg कितना प्रोड्यूस करेगा, वो हो जाएगा 56 / 100 × 190 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, 190 000, यानी कि इतना CaO ग्राम में प्रोड्यूस होगा। इसको फिर से समझते हैं, लाइमस्टोन आपको दिया हुआ था, लाइमस्टोन के अंदर 95% प्योर CaCO3 था, तो 95% प्योर CaCO3 को पहले हमने कैलकुलेट किया कि 200 केजी में कितना प्योर होगा, तो उसकी वैल्यू आ गई आपकी 190 kg। 190 kg होने के बाद हमने इक्वेशन को बैलेंस करके देखा, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को के थ्रू देखा कि एक मोल CaCO3 एक मोल CaO को प्रोड्यूस करता है। मोल से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन हमने मास रिलेशनशिप का को निकालने की कोशिश की। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम होगा, तो 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस करता है 56 ग्राम CaO को, 56 ग्राम प्रोड्यूस करता है तो 190 kg कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 56 / 100 × 190 को हमने यहाँ ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो इतने ग्राम आपका आंसर आ गया। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम और प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे हमारे केमिकल इक्वेशंस के ऊपर, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमने इंस्टा टेलीग्राम पर एक चैनल डेवलप किया है,
इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको चैनल पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।